देखते हैं जहां पर फर्जी सर्वे वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी का पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना था और बीडी शर्मा और मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। बता दें मिस्टर बंटाधार झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसा वीडी शर्मा ने कहा। साथ ही विधानसभा चुनाव के फर्जी सर्वे का वीडियो वायरल किया, ये भी वीडी शर्मा का कहना है। साथ ही बंटाधार ये पहले भी झूठ फैलाने का काम कर चुके हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो बीजेपी का पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर तंज सामने आया है। वीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह महा झूठ, मैं तो हमेशा कहता आया हूं महा झूठ परोसने का काम करने में अगर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसी का नाम आएगा तो दिग्विजय सिंह का आएगा, कमलनाथ का आएगा। और ये सर्वे को एक नेशनल न्यूज चैनल में एडिटिंग करके प्रयास करना, मध्य प्रदेश के अंदर ये झूठ परोसने का काम कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके झूठ का जवाब देने के लिए प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी बनकर के खड़ा है। मैंने बहुत पहले कहा था ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, आपका झूठ मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा, इस काम कड़ा जवाब देंगे। तो भगवा झंडा खरगोन के ऊपर फहरा दिया था, खरगोन के ऊपर भगवा झंडे को फहरा दिया था। उसके पहले जाओगे तो पाकिस्तान का पुल एक हिंदुस्तान के अंदर क्रैक पुल दिखा दिया था। सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं, ये निंदनीय है। और राय साहब ने अगर इस पर रिपोर्ट की तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो दिग्विजय सिंह के फर्जी वीडियो वायरल मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। जी मनोज जी, फर्जी सर्वे का वीडियो वायरल हुआ है, क्या है ये पूरा मामला और इस पर क्या रिएक्शन आया है? देखिए अब सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन ऐसे में कोई भी राजनेता हो जब व्हाट्सएप बाकी चीजों पर कोई ऐसी वीडियो बाकी चीजें प्रसारित होती है तो देखने की जरूरत है। लेकिन कई बार दिग्विजय सिंह जी जैसे सीनियर लीडर वो भी शायद इसके जद में आ जाते हैं, क्योंकि पहली बार नहीं है। जैसा नरोत्तम मिश्रा ने जिक्र किया, बीडी शर्मा ने जिक्र किया, दो तीन बार उनके इस तरह के फर्जी कहे हैं, जो फर्जी वीडियो के आधार पर उन्होंने जो बातें फैलाने की बात कही है तो वो एक मुद्दा बना लिया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये तो चुनाव का दौर है जिसमें एक बड़े न्यूज चैनल के द्वारा सर्वे कराया गया था, पहले ये बात सच है। लेकिन सर्वे में जो काट छांट की गई, जिस तरह का वीडियो वायरल अब किया गया है, तो उसमें काट छांट की गई क्योंकि खुद उस संस्थान के मालिक ने इस बात को कहा है कि हमारा सर्वे नहीं है, या जिस तरह से वीडियो में काट छांट किया गया तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की बात की। उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई हो जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे में मौका मिल गया, और सर्वे है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है 2023 के, जिसको लेकर जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जा रही, जिसमें बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान तमाम लीडर इस समय मैदान में हैं। और ऐसे में कोई वीडियो आता है तो निश्चित है कि उनकी छवि भी तार तार होती है, और इससे जनता के ऊपर एक दूसरा तरह का मैसेज भी जाता है। इसीलिए मुद्दा बना लिया इसको भारतीय जनता पार्टी ने। अब दिग्विजय सिंह यदि हम इसकी बात करें तो मुश्किल में है, लेकिन इंतजार करना चाहिए कि आखिर दिग्विजय सिंह अब इस पर क्या कहते हैं, क्या ये मसला और गर्माएगा। लेकिन जैसे जैसे इस तरह की चीजें सोशल मीडिया की आती है, उसको सोचने और समझने की जरूरत सभी को है, चाहे वो राजनेता हो, अधिकारी हो, या हम जैसे लोग भी हों, कि आप जो देख रहे हैं, जो आप प्रसारित कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ गड़बड़ है। तो दिग्विजय सिंह शायद सबक लेंगे इससे, लेकिन बहुत ही सीनियर लीडर है, बहुत सीजन लीडर है, वो जो कुछ करते हैं तो सोच समझ कर करते हैं। जी मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी दौर है और दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने के लिए मौका ढूंढ रही हैं, ऐसे में सभी बड़े नेताओं को, दिग्गजों को संभल कर रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि चुनावी साल है। तो बढ़ेंगे आगे इस बड़ी खबर के बाद।